एक ऐसा मिलेट है जिसमें अंडे से भी ज्यादा प्रोटीन और दूध से भी ज्यादा कैल्शियम होता है। क्या आप जानते हो उस मिलेट का नाम? हेलो एवरीवन, आई एम सुजाता सवान, कंसल्टिंग न्यूट्रिशनिस्ट, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ सुपर फूड विच हैज प्रोटीन मोर देन एग एंड कैल्शियम मोर देन मिल्क। इस सुपर फूड का नाम है अमरंथ। अमरंथ को हिंदी में चौलाई बोला जाता है और मराठी में राजगीरा बोला जाता है। तो ये अमरंथ, चौलाई और राजगीरा सेम ही है। बेसिकली अमरंथ एक स्यूडो मिलेट है। अमरंथ में अंडे से भी ज्यादा प्रोटीन होता है, तो अगर कोई वीगन है, कोई शाकाहारी है, तो उनके लिए ये एक रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। उसमें भी लाइसिन नाम का अमाइनो एसिड होता है। अमरंथ इज द ओनली ग्रेन विच हैज लाइसिन विच प्लेज अ मेजर रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। प्रोटीन के साथ साथ इसमें आयरन है, विटामिन सी है, विटामिन ई है। अमरंथ और राजगीरा इज अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम एज वेल। दूध से भी ज्यादा कैल्शियम राजगीरा में होता है। इट हैज मैंगनीज, मैग्नीशियम एंड जिंक एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूट्रिशनल वैल्यू, इट हैज फाइबर। तो फाइबर की वजह से डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी हेल्प देता है। लेट्स टॉक अबाउट सम हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ अमरंथ। अमरंथ में फाइबर बहुत होता है, तो ये हमें डाइजेशन में हेल्प करता है और इवन बैड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। अमरंथ इम्यूनिटी बढ़ाने में भी हेल्प करता है। अमरंथ से बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है वो रिड्यूस होने में हेल्प होती है। जैसे मैंने बताया कि दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम अमरंथ में होता है, तो बोन डेंसिटी अच्छी रहने के लिए या फिर बोन हेल्थ के लिए अमरंथ हेल्प करता है। अमरंथ ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट प्रोलिफरेशन ऑफ कैंसर सेल्स। बहुत से टाइम्स इन कैंसर पेशेंट्स आफ्टर कीमो अमरंथ कैन हेल्प टू प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन ऑफ कैंसर सेल्स। अमरंथ ऑल्सो इम्प्रूव्स द आर्थराइटिस। आयरन की वजह से एनेमिक लोगों को भी ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। राजगीरा इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेट वॉचर्स। आप में से कई लोग अमरंथ व्रत में खाते होंगे। व्रत में अमरंथ या फिर राजगीरा को प्रेफरेंस देने का रीजन क्या है? आप जब फास्ट करते हो और उस फास्ट में आप जब अमरंथ या फिर राजगीरा का कोई मेन्यू लेते हो, उसमें आपको आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम एंड ऑल अदर मिनरल्स मिल जाते हैं। एंड इट ऑल्सो गिव्स अ गुड बैकअप ऑन फास्टिंग। अगर आपने आपके बच्चों को स्कूल भेजते वक्त दूध के बदले राजगीरा के लड्डू या राजगीरा की चिक्की या राजगीरा का प्रोटीन बार दिया, तो इट विल इंश्योर राइट कैल्शियम एंड प्रोटीन फॉर योर किड। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजगीरा या फिर अमरंथ आप कैसे खा सकते हो। नाउ कमिंग टू द रेसिपीज ऑफ राजगीरा। सबसे पहले है तो राजगीरा मार्केट में पफ फॉर्म में आता है, उसको बोलते हैं राजगीरा, पफ राजगीरा या फिर राजगीरा की लाही। तो इस राजगीरा के लाही के आप लड्डू बना सकते हो या फिर आप चिक्की बना सकते हो या फिर सिंगदाना ऐड करके आप प्रोटीन बार बना सकते हो या फिर सिंगदाना एंड राजगीरा का लड्डू बना सकते हो, जो कि आप व्रत में खा सकते हो या फिर इवनिंग स्नैकिंग में भी वो खा सकते हो। दूसरी रेसिपी है अमरंथ पोरिज। किसी भी प्लांट बेस्ड मिल्क में, फॉर एग्जाम्पल आलमंड मिल्क या फिर कोकोनट मिल्क में आप राजगीरा का पोरिज या फिर खीर बना सकते हो। तीसरी रेसिपी है राजगीरा का उपमा। सो सेम लाइक रवा उपमा, यू कैन मेक राजगीरा उपमा या फिर राजगीरा शीरा बाय एडिंग सम घी एंड जैगरी। पांचवा रेसिपी है राजगीरा का डोसा। मार्केट में जो राजगीरा का ग्रेन मिलता है, उस ग्रेन को आप ड्राई रोस्ट करके उसका आटा बना के उसके डोसे आप बना सकते हो। सिक्स्थ रेसिपी इज राजगीरा थालीपीठ पराठा या फिर राजगीरा रोटी। सो राजगीरा के इतने सारे रेसिपीज आप आपके खाने में इंक्लूड कर सकते हो। स्पेशली वीगन या शाकाहारी लोगों को मेरी एडवाइस रहेगी कि आप आपके खाने में अमरंथ को जरूर ऐड करें। आई होप यू मस्ट हैव गॉट द नॉलेज अबाउट सुपर फूड अमरंथ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।